सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. आज का सेशन यहाँ से शुरू करते हैं. देखो फाइव ऑफ टी दिया हुआ टी फाइव माइनस फाइव टी क्यूब माइनस ट्वेंटी टी प्लस सेवन विच इज एक्स फॉर यू. साई टी दिया हुआ ये विच इज वाई फॉर यू माइनस टू से टू के बीच में. फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स की मुझे मोनोटोनिसिटी बतानी है. ठीक है ना. तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा ना. तो dy by dx जहाँ पॉजिटिव होगा वहां पे मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव है. तो dy by dx क्या जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, x विद रिस्पेक्ट टू t. सो दिस इज एक्चुअली dy by dt अपॉन dx by dt. अब dy by dt कितना हो जाएगा, so well t square minus of 60 minus 18 अपॉन dx by dt क्या जाएगा, yt 4 minus 15 t square minus 20. सही है ना. बस अब मेरे हिसाब से फैक्टराइज तो हो जाएगा ना, यहाँ से ऊपर से 6 कॉमन आ जाएगा, टू टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 3 6 यहाँ पे, और नीचे में से 5 आ जाएगा टी 4 माइनस ऑफ 3 टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4. सही है ना. उसको जब फैक्टराइज कर रहे तो ऊपर वाला क्या जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 3 और प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको ग्रेटर देन जीरो के लिए सॉल्व कर लेंगे. सर पहले जीरो के लिए, हाँ ठीक है चलो इनइक्वालिटी कर लेंगे जैसे आप बोलो साहिल सर. नहीं करो, अरे यार सर जैसे आपके आ गया हो. नहीं नहीं सर करो. टी फोर माइनस फोर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस ऑफ 4. सही है ना. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए करेंगे इसको. ठीक है ना, इनको तो हटा देंगे. तो यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा तो बचेगा टू टी माइनस 3 और t प्लस 1. सही है ना. और नीचे क्या देगा सर, ये सर वो t प्लस, वो फैक्टराइजेशन वाला क्या करा आपने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म t माइनस 4 और t प्लस, और नीचे वाले में क्या बनेगा पूजन, t स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, t प्लस 1 t माइनस, तो t स्क्वायर कॉमन निकल गया, t स्क्वायर माइनस 4, तो t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर माइनस 4. सही है ना. हां भाई, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पॉजिटिव फैक्टर है. एक फैक्टर आ जाएगा 3/2, एक आ जाएगा माइनस 1, एक आ जाएगा 2, एक आ जाएगा माइनस 2. सही है. अब करना क्या है, विविकोव मेथड से प्लस माइनस प्लस मार लो आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. तो क्या है, पॉजिटिव मतलब इंटरवल ऑफ इंक्रीज माइनस 1 से 3/2, और इंटरवल ऑफ डिक्रीज माइनस 2 से माइनस 1, 3/2 से 2. नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, जिन जिनको नहीं आया है इसके बाद वाला नहीं आया सर बताता हूँ, इसको नोट कर लो पहले सर. एक मिनट कर लो, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपसे, ये भी होमवर्क पे दिया था मैंने ना. हाँ ये होमवर्क का है, इसको क्या कर ले, डिफरेंशिएट कर लेते हैं और इक्वल टू जीरो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब ये किस कब के बराबर होगा. एक फंक्शन बना लेते हैं fx, x क्यूब प्लस 3 10x माइनस 2. सही है ना. अब ये जब जीरो होगा फंक्शन, जब भी f ऑफ x मान लो जीरो के बराबर होगा तो एक रूट आ जाएगा ना. ओके तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स जीरो हो जाएगा तो मतलब रूट हो जाएगा ना, जो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. भाई एफ ऑफ मान लो अल्फा पे जीरो हो रहा है, तो एफ ऑफ अल्फा जीरो है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो रूट हो जाएगा ना. अब हम क्या कर सकते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. एफ डैश एक्स बनाते हैं तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर x है ना. तो अब पता क्या चला, ये तो पॉजिटिव है. ठीक है ना, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन एक स्ट्रिक्टली बढ़ता हुआ फंक्शन है. ओके तो एफ ऑफ जीरो देख लेते हैं क्या है, भाई एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल चेक कर लेते हैं. एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू माइनस 2 आ रही है, एफ ऑफ पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या आ रही है, 3 प्लस पाई बाई 4 का क्यूब माइनस 2 विच इज पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब ये ग्राफ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो एक रूट आएगा, वन रूट. सिर्फ तो एक रूट है, नहीं तो अगर एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव इसके बीच में तो कुछ भी खेल सकता है उसको जितना चाहे, हम बताने खेल नहीं सकता, इसको बढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है ना, चलो.
लिख लो इसको, लेट्स इसको कैसे करेंगे, विच इज ग्रेटर ई रेस टू पाई और पाई रेस टू ई, क्या सोचा आपने, कुछ सोचा था इसको करने के लिए? सर पाई रेस टू ई, पाई रेस टू ई बड़ा होगा, ऐसे कैसे बोल सकते हैं लियस का? सर उसको अप्रॉक्स 3 ले लिया और ऊपर वाले को भी अप्रॉक्स 3 ले लिया तो 27 आ रहा है। और e raise to pi में क्या किया तुमने? अरे हाँ वो भी है। अलियास का तुमको एक मीम पेज खोलना चाहिए यार, एडमिन बन जाओ मीम पेज के। फिर वो क्या होता है? वो चल चले। MEME डबल मी पेज। MEME जैसे अभी तुम बीटेक करोगे तो उसको बीई बोलते हैं, इसको एमई बोलते हैं। चलो अभी इधर ध्यान से देखो आप, ठीक है ना, कंपेयर कैसे करेंगे? तो पहले हम एक काम करते हैं, इनको कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हम कंपैरिजन कर पाए। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, देखो मैं लिखता हूँ, ये लिखा गया है ई रेस टू, अली अकबर का कॉल आ रहा है बाद में देखें, चलो अभी इधर देखो, ठीक है ना, ई रेस टू आई कैन राइट दिस एज 1/e होल रेस टू पाई ई, सही है? इसको मैं लिख सकता हूँ पाई रेस टू 1/pi रेस टू पाई ई, ये चीज ठीक है, समझ आ रहा है? ई रेस टू 1/e रेस टू पाई ई, पाई रेस टू 1/pi रेस टू पाई ई। तो सर इसका मतलब क्या है? देखो बेटा इधर से हम कंपैरिजन क्या करने वाले हैं, पावर जो दोनों को रेज करा गया है वो पॉजिटिव पावर है, कुछ एक बड़ा पावर है पाई और ई, कुछ एक नंबर होगा 9, 8, 9 के बराबर, तो कुछ पावर हमने रेज किया तो नंबर वो बड़ा होगा जिसका बेस बड़ा होगा। बिल्कुल मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? भाई पावर 8 में मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, अब मुझे ये चीज भी मालूम है कि दोनों क्वांटिटी 1 से बड़ी है, अब कितनी बड़ी है, कौन सी ज्यादा बड़ी है पता नहीं, मान लो अगर एक क्वांटिटी बड़ी, सर वो 1 से बड़ी कैसे पता चल गया? अरे अगर आप किसी भी नंबर का फोर्थ रूट निकालो, फिफ्थ रूट निकालो, सिक्स्थ रूट निकालो, एट्थ रूट निकालो, नाइन्थ रूट निकालो, टेंथ रूट निकालो, है ना, तो 1 से बड़ा ही आएगा ना। धन्या समझ, e की पावर 1/ मतलब 1 से बड़ा कैसे होगा? अरे आप ऐसा समझो ना, मान लो e रेज टू 1/ है, ठीक है ना, ये 1 से बड़ा मैं बोलता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है ना, एजम्पशन है, दोनों को e पावर में रेज करते हैं तो e तो 1 से बड़ा ही होगा ना। अब देखो, अब ये क्वांटिटी कुछ है और उसकी पावर जो रेज की गई, मान लो क्वांटिटी 2 होती, 2 की पावर 8 बड़ा नंबर होता 1.5 की पावर 8 से, तो ये कंपैरिजन कैसे हो पाया? अंदर जो बेस है उसके बारे में जब हमने कंक्लूजन दिया तब हमें पता चला कि जो बेस बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं रहा है, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमारा जो क्वेश्चन है जिसे हमें स्टडी करना है वो ये है कि ई की पावर 1/e बड़ा होगा या पाई की पावर 1/pi बड़ा होगा, सही है? इज इट क्लियर? अब e की पावर अगर 1/e बड़ा होगा तो e की पावर पाई बड़ा हो जाएगा, और पाई की पावर अगर 1/pi बड़ा होगा तो पाई की पावर e बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? सो व्हाट आई डू फ्रॉम हियर नाउ ऑन इज आई अज्यूम अ फंक्शन, मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ fx जिसको लिखता हूँ x की पावर 1/x, समझ आ गया? ये मेरा फंक्शन बना दिया मैंने, fx इज 1 x रेज़ टू 1/x। अब ये फंक्शन का मैं क्या करता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या है और इंटरवल ऑफ डिक्रीज क्या है। अब इंटरवल ऑफ इंक्रीज से मैं ये निकाल लूंगा कि फंक्शन कहाँ पे बढ़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है। तो क्या मेरे लिए आप इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकाल सकते हो? इसका निकाल लो, लेट्स सी। ये फंक्शन मैंने आपको दिया है fx is x raise to 1/x। अब मैं इसका इंटरवल ऑफ इंक्रीज एक निकाल के देखता हूँ और इंटरवल ऑफ डिक्रीज, तो मुझे बताइए फटाफट इंटरवल ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज क्या रहा है, लेट्स सी। सॉरी एक मिनट, प्लीज बेटा Let's solve this question. Differentiate कर लेते हैं। आ जाओ मेरी मदद करो differentiate करने में। तो इस function को मैं लिखता हूँ, fx को क्या लिखता हूँ? ln e raise to the power of ln में लेंगे ना। सर log लेके कराओ तो। ln x सर log लेके कराओ तो। हाँ हाँ वही वही। सही में आएगा आंसर। ln में सही में आएगा। हाँ हाँ करो करो। अब देखो differentiate करूँगा। साहिब तुम्हारा support है ना मुझे differentiation में। हाँ हाँ।
कैसे करेंगे dy by dx is e raise to 1 by x ln x 1 by x ln x into फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ln x by x का ln x सर करते हैं रुक जाओ अभी 2 मिनट ln x by x रुक जाए क्या हां 2 मिनट अभी डिफरेंशिएशन करा हुआ है y into x 1 by 2 1 देखो चेक करते चलो आप लोग मेरे साथ चेक करते चलो ठीक है ना मैं भी कर रहा हूं कोई नहीं आपने लॉग लिया तो भी कोई बात नहीं है सारा का सारा एट द एंड ऑफ द डे तो बनाना तो इक्वल टू जीरो ही है ना y is equal to वहां ले जाओगे ना बाकी तो उजन तुम्हारा y है ना बेटा तो y तो आ गया ना इधर 1 by y वाला y आ गया -1 by x square ln x कैसे भी लिखो एक ही बात है अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं ध्यान से देखना 1 by x into देखो पहले तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 1 अपॉन x square सही है अब ये dy by dx क्या होना चाहिए इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए मतलब ln x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए अब ध्यान से समझना 1 माइनस ln x लिखा है ठीक है ना तो कौन सा पॉइंट आ जाएगा x इज इक्वल टू e आ जाएगा x इज इक्वल टू e आ जाएगा अब मुझे ये जानना है मेरा पर्पस ये है अंडरस्टैंडिंग का ये e से आगे पॉजिटिव डालूं या e से पहले पॉजिटिव डालूं तो इसमें मैं क्या करता हूं x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो कैसे करा मतलब वो ln x इंक्रीजिंग ग्राफ है तो e से ज्यादा डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा अब ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने x की जगह एक इससे बड़ी वैल्यू डाली e से बड़ी e स्क्वायर है तो मान लो इसमें मैंने e स्क्वायर डाल दिया तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 आ गया तो यहाँ तो नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है समझ आ रहा है तो ये फंक्शन ऐसे होगा इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग तो इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आ गया जीरो से e हमेशा x की पावर 1 by x हमेशा पॉजिटिव होगा बिल्कुल x के इनपुट ही पॉजिटिव है सर मेरी बात सुनो एक्सपोनेंशियल है चलिए अब आ जाएंगे इसके अब इधर ध्यान से ऐसा सुनो सर मतलब ये 1 by ln x का आपने करा है ना वो वेवी कर्व में यस 1 minus ln x का हेलो यस साहिल सर पर ln x minus 1 हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए वो आई का अपन अलजेब्रा से कर रहे हैं मतलब हां हां कर रहे हैं ना तो अब इधर बना क्या था इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखो ना आप नहीं नहीं सर उसको नहीं अभी जो नीचे निकाला ln x minus 1 नहीं नहीं ये तो इसमें से आया ना अरे एक्चुअली क्वेश्चन तो 1 minus ln x था ना अरे हाँ हाँ ठीक है सर अरे तो हाँ. 1 minus ln x मतलब ln x minus 1 less than 0 आ जाएगा फिर यहाँ से तो सॉल्विंग में उल्टा हो जाएगा ना या तो तुम इसी को रखो या तो तुम माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो लेस देन 0 निकालो कहाँ कहाँ पे होगा फिर राइट में प्लस माइनस करोगे तो नेगेटिव वाला इज इंटीग्रल ऑफ इंक्रीज ठीक है ना आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होना चाहिए कंफ्यूजन है क्या नहीं नहीं सर वो इनइक्वालिटी भूल जाओ इनइक्वालिटी को गोली मारो अब f डैश x का e पे वैल्यू जीरो होता है e के आगे वैल्यू क्या है f डैश x का नेगेटिव है जैसे e स्क्वायर डाला तो नेगेटिव आया मतलब f डैश x नेगेटिव आया मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है और उससे छोटी वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन पॉजिटिव आ जाएगा इंक्रीजिंग तो ये पता क्या चला इंटरवल ऑफ इंक्रीज क्या आएगा जीरो से ई इंटरवल ऑफ डिक्रीज ई टू इनफिनिटी मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आ रही है ई पे तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ई की पावर 1 / ई है खत्म हो गया खेल जीत गया ई की पावर 5 चलें आगे सर ये लास्ट स्टेप नहीं आया सर लास्ट स्टेप नहीं आया हेलो कौन सा नहीं आया कौन सा स्टेप नहीं आया सर वो ई की पावर 5 कैसे जीत अरे e की पावर 1 by e सबसे बड़ा है ना मैक्सिमा आ रही है यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है फिर घट रही है तो मैक्सिमम e की पावर 1 by e पे आई ना सर बोल सकते ना IUI में e से मतलब pi से यहाँ तक फंक्शन बढ़ रहा है फिर यहाँ से फंक्शन घट रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो e पे मिलेगी ना सर बोल सकते ना IOD में e छोटा है pi बड़ा है तो बिल्कुल अरे e पहले आता है pi बाद में आता है तो फंक्शन तो घटता जा रहा है तो e पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई e पे मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी e की पावर 1 by e हां दैट इज ग्रेटर देन पाई की पावर 1 by पाई अब दोनों को पाई e पावर में रेस कर डालो तो e की पावर पाई बड़ा हो जाएगा हां सर चलिए आई थिंक वी शुड सर हां सर अली असगर
हम e की पावर 1 बाय e तक आ चुके हैं. ठीक है सर, आगे 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 चलिए चलें आगे. लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं अभी. आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट. क्या लिखा है? f डबल डैश x इज नेगेटिव एंड g x इज f ऑफ 3 माइनस x प्लस f ऑफ x माइनस 9. अब ये सब क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिवाइज करने पड़ते हैं. ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है काफी, देख के क्लिक नहीं होता. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए इसको बार बार पढ़ना पड़ता है. जैसे फंक्शनल इक्वेशन बार बार पढ़ते हैं, तो वैसे ही फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड जो जो क्वेश्चन है उनको आप सर्कल कर लो. इनको जब भी करूंगा तो मैं एक बार रिवाइज करके ही जाऊंगा. ठीक है, आहिर कोई डाउट है क्या? फरहान को सब समझ आ रहा है? फरहान फरहान अब्दुल्ला जय यस सर जय, सब समझ आ रहा है? हाँ जय. हाँ सर. मुझे तो डाउट होता है, सब समझ आ जाता है, तुम लोगों को एक ही बार में समझ आ जाता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत समझ लेते हो, बाकी देख लेंगे अपन. मुरुगा सब समझ आ जाता है? सर यस सर यस सर, इसमें इंटरवल क्या दिया हुआ है एक्स का? आयो आयो और आयो डी ढूंढना है मेरे पूरे आर में. हाँ चलो लेट्स सी क्या करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इसको. सर एक मिनट, सर क्वेश्चन ये अभी पता चला. इंशिया से एक बार बात कर लेते हैं. इंशिया सब समझ आ रहा है? इंशिया अच्छा, आप लोगों का हमको डिस्कस करना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. कब करेंगे डिस्कस? कल. नेक्स्ट डाउट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? कब रखें नेक्स्ट डाउट क्लास? कल रख दूं क्या? सर बस एक एक्सरसाइज बाकी है. कर लोगे कल तक? आरडी का नॉर्मल्स आरडी का कर लोगे पूरा? हां कर लेंगे. हां पूजन क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा सर. कर लोगे कल तक पूरा? देखा ही नहीं आईडी, तो अभी देखूंगा आज. एओडी में क्या कर रहे हो अभी? सर एओडी में वही टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ही. कहां से कर रहे हो? सर बाद में बताता हूं. सही है, चलो ठीक. सक्सेस का राज. अरे सर वैसा कुछ नहीं है सर, वैसा मतलब बाद में डिस्कस करते हैं. मंत्र ऑफ सक्सेस सर, x less than 0 पे इंटरवल ऑफ इंक्रीज और x more than 0 पे इंटरवल ऑफ डिक्रीज. क्या बदले इसका? सीधा डायरेक्ट पॉजिटिव डालो पॉजिटिव, नेगेटिव डालो नेगेटिव, खलास. ज्यादा लफड़ाई नहीं चाहिए, है ना? क्या किया सर? क्या पता तुमने क्या किया, तुम ही बता पाओगे. सर राइट है या रॉन्ग है पता नहीं, देखना पड़ेगा. सर एक बार देख लो. तुक्का मारा है तुमने या कुछ लॉजिक लगाया? नहीं सर लॉजिक लगाया. क्या लॉजिक लगाया? सर उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इसको किसको डिफरेंशिएट किया? gx को. हां देखो gx आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है ना? तो gx का इंटरवल इंक्रीज डिक्रीज बता रहा है, तो g'x निकालते हैं पहले, तो है ना? तो क्या आ गया? सुनो तो सही. मेरी बात सुनो. हेलो सर. अरे तो यही करना है, बहुत अच्छा किया आपने. तो मैं आपको फॉलो कर रहा हूं ना, आप मुझे गाइडेंस दे रहे हो. आई एम यूजिंग दैट गाइडेंस. सही है. और तो सही है सर, फिर f डबल डैश x less than 0 है तो ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है f'. देखो अब हम यहां से कंक्लूजन और क्या निकालते हैं कि f डबल डैश x है जो वो लेस देन 0 है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होगा जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो f डैश x बोल सकते हैं? इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. यस तो 6 से इनफिनिटी आयो आ रहा है. बस बिल्कुल सही आया सर. सही तो f डैश x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना अली असगर? हां सर. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अगर f डैश ऑफ x1 f डैश ऑफ x2 से बड़ा है तो x1 एक्चुअली x2 से छोटा होगा. सही है? हां सर. तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मुझे निकालना है इंटरवल ऑफ इंक्रीज. मान लो निकालना है ये ग्रेटर देन जीरो कहाँ होता है, मैं आयो आई निकाल रहा हूँ, ठीक है ना?
ग्रेटर देन इक्वल टू रख लो, तो मैं बोल सकता हूँ कि f डैश ऑफ माइनस ऑफ f डैश ऑफ 3 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f डैश ऑफ x माइनस 9. अच्छा एक सेकेंड इसको यहाँ लिखना पड़ेगा पहले, f डैश ऑफ 3 माइनस x प्लस f डैश ऑफ x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0. So from here I made a conclusion, f dash of x minus of 9 is greater than or equal to f dash of 3 minus x. So from here I made a conclusion, x minus 9 is less than of 3 minus x. So I made a conclusion, 2x must be less than 12, x must be less than or equal to 6. So what is the interval of increase? Tell yes, girl. Minus infinity to 6. Sahi hai? Aur IOD kya jayega? 6 infinity. सही है ना, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, जबरदस्त निकाल लिया आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छे, डिक्रीजिंग फंक्शन इसलिए बहुत अच्छे. चले आगे. हाँ सर, लेट्स मूव ऑन. सर एक मिनट लिख लो इसको सर. पहले आरडी करना है, सबसे पहले टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का निपटा दो. कब तक निपटा दोगे मुझे बता दो, तो हम लोग क्या फिर डाउट क्लास रखेंगे, तो उसमें हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इसका डिस्कस कर लेंगे. अब अगर आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हो गया है तो आप इसके बाद अब मोनोटोनिसिटी कर सकते हो, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका, इंक्रीजिंग आईयूआई और आईओडी वन है ना. आई गेस 16th चैप्टर है इसके बाद ना, 15 के बाद 16 है, 17 है. अच्छा 16 के बाद 17th चैप्टर है भाई. देखो आरडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा बोर्ड का प्रिपरेशन भी साथ-साथ होता चले, ठीक है ना. सर आपने बोला था कि हाथ चलना शुरू हो जाए इसलिए. क्या बोला था मैंने? हाथ चलना शुरू हो जाए इसलिए. हाँ मतलब हाथ चलने ना बोर्ड में, मतलब आसान आसानी क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाएगा आपसे. चले आगे. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. अगर बी ए से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू उसकी क्या होगी, बताइए आप. सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन खाली एक मिनट करो, ये क्वेश्चन कॉपी कर ले. फिर लास्ट वाले क्वेश्चन का सलूशन लिखना है. हाँ सर, खाली स्टार्टिंग में समझ नहीं आया वो पूछ. एक मिनट. हाँ सर दो मिनट. चलिए लेट्स गिव अ ट्राई. रुको क्या? वह करो आप करो मैं अपने. देखो x माइनस a का मॉड का क्यूब लिखा है, x माइनस b मॉड का क्यूब लिखा है. तो अगर मैं थोड़ा सा इन दोनों को अंडरस्टैंड करूँ, ये दोनों ग्राफ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, है ना, ऐड हो रहे हैं. तो अगर आप थोड़ा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना. मान लो ए एक नंबर है, ठीक है, तो एक्स ए एक नंबर है, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, ठीक है ना. हम एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई कौन सा ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ए एक नंबर है. x माइनस ए का क्यूब का मतलब क्या है, मॉड के साथ. इसका मतलब है ये एक ऐसा कोई ग्राफ होगा. यू एग्री विथ मी? नेक्स्ट x, अब a b क्या है, a से बड़ा है तो वो राइट हैंड साइड होगा. अब मॉड ऑफ x माइनस b का मतलब क्या है, वो भी कोई एक ऐसा ग्राफ होगा. बिल्कुल ठीक है ना, x क्यूब होता तो नीचे भी जाता, मॉड के साथ है तो वो ऊपर ही आ जाएगा, नेगेटिव रेज करके रिफ्लेक्शन. सही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर. अब देखो हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझना आप, इसको समझने की जरूरत है. अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ ए के रिस्पेक्ट में और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ बी के रिस्पेक्ट में, तो क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं. जो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए का क्यूब फंक्शन है वो ए से पहले क्या है, डिक्रीजिंग है. क्या है? डिक्रीजिंग है. ए से बी, ए से आगे आगे फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्यूब की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग. नेक्स्ट मॉड ऑफ एक्स माइनस बी की अगर मैं बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का क्यूब, तो वो ए से पहले पहले क्या है, डिक्रीजिंग. ए से ए के बाद में भी डिक्रीजिंग, कब तक, बी तक, और फिर बी के आगे इंक्रीजिंग है. तो अब मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है, कम से कम वैल्यू ढूंढनी है ना, कम से कम वैल्यू. अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि यहाँ पे फंक्शन दोनों ऐड हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, मतलब वैल्यू कंटिन्यूअसली दोनों की बढ़ती जाएगी. भाई ऐड हो रहे हैं दोनों फंक्शन, दोनों बढ़ने वाले हैं तो दोनों की वैल्यूज मिलके बढ़ती जाएगी. अब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल पाते, यू नो ये मैंने फंक्शन में बताया है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग गिव्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन.
डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग गिव्स यू अ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो रिजल्टेंट जो है यहाँ पे, रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो रिजल्टेंट यहाँ पे वैल्यू घट रही है और रिजल्टेंट यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है. यस सर. यस बेटा. सर वो चार्ज खत्म हो गया था इसलिए बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था. कोई बात नहीं, अगर मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान से समझो. मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्यूब बनाया तो अंडरस्टैंड किया ए से पहले फंक्शन घटने वाला है और ए के बाद में फंक्शन बढ़ने वाला है. फिर मैंने मॉड ऑफ एक्स माइनस बी का क्यूब बनाया तो बी से पहले वो घट रहा है और बी के बाद वो बढ़ रहा है. तो जब ये दोनों फंक्शन ऐड किए तो हमने बोला कि ए से पहले दोनों डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग प्लस डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग देता है. ए से बी के बीच में एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है, तो रिजल्टेंट क्या होगा हमें पता नहीं है. यस. और बी के आगे आगे एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो रिजल्टेंट बढ़ेगा. तो जब मेरे पास मान लो ये फंक्शन, मान लेते हैं एक फंक्शन जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू फंक्शंस. तो ये फंक्शन ए से पहले, रिजल्टेंट फंक्शन ए से पहले घट रहा है, एक बी के बाद बढ़ रहा है. तो ए से बी में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन ए से बी में अंडरस्टैंड करते हैं और वो वैल्यू निकालते हैं जहां पे कम से कम वैल्यू आई. ये समझ आ गया आपको? अब हमें जो अंडरस्टैंड करना है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ए से बी में ही करना है. ए से पहले फंक्शन घट रहा है मतलब बड़ी वैल्यू से कम होती जा रही है, बी से आगे आगे बढ़ रहा है मतलब ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा वो. ठीक है. यस बेटा. सर x माइनस ए का क्यूब का मॉड और x माइनस ए मॉड का क्यूब एक ही बात होती है? एक ही बात होती है, एक ही बात होती है ना. मॉड ऑफ x का क्यूब या x क्यूब का मॉड, दोनों एक ही बात है. सर ये ग्राफ कैसे बनाया आपने वो एक बार बता दो. अली असगर x क्यूब का मॉड कर दिया ना यार, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या सर? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? x क्यूब का ग्राफ बनाने आता है ना आपको, उसका मॉड का मतलब क्या? इरेज द नेगेटिव पार्ट, टेक इट्स रिफ्लेक्शन. यस सर. यस सर. हां सर, मतलब वो पेन पेपर पे नहीं किया ना इसलिए डायरेक्ट सुन रहा हूं उसे. चलिए अब ध्यान दो, ठीक है ना. तो ए से बी में एनालिसिस करना है. अब ए से बी में होगा क्या, x माइनस बी क्या वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा. x माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू देगा ए से आगे आगे. तो ये फंक्शन अब ऐसे खुलेगा, x माइनस ए का क्यूब माइनस ऑफ x माइनस बी का क्यूब. ये अब डेफिनेशन हो गई gx की. सही है? हां सर. इज इट क्लियर? वो माइनस सर, माइनस x माइनस b क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि नेगेटिव है ना, मॉड की वैल्यू नेगेटिव में तो नेगेटिव खुलेगी ना. सर वो नेगेटिव क्यों हो रहा है? अरे भाई b के पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, ये भूल गए क्या आप? मॉड ऑफ x माइनस 2 ओपन्स एज x माइनस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. हां हां माइनस ऑफ x माइनस 2 x लेस देन 2. ऐसे कैसे कर रहे हैं तुम लोग? पुरानी चीजें क्यों भूल जाते हो? सबको यूज करेंगे, ध्यान से समझो. अब देखो अब इसको क्या करना है, आप तो बस डिफरेंशिएट कर दें आप. तो ये 3 टाइम्स x माइनस a का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स x माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो पता क्या चला, x माइनस a x माइनस b के बराबर होना चाहिए. सही है? सही है. यहां से क्या पता चला, 3 टाइम्स x माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ऑफ 3 टाइम्स x माइनस बी का स्क्वायर आ गया मेरे पास. तो यहां से क्या बन रहा है सर? सर जहां पे दोनों डिक्रीजिंग है वहां पे लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए ना. जहां पे दोनों डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज तो कहां तक कर रहा है पता थोड़ी ना है. तो सर वही तो मतलब जहां पे वो अच्छा ठीक है ठीक है. हां ए से बी के बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग आपको नहीं पता. सर इक्वल टू 0 क्यों करा वो समझ नहीं. हम लोग इक्वल टू 0 इसलिए कर रहे हैं बेटा ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये वाला फंक्शन जो है मेरे पास x माइनस ए का होल क्यूब माइनस x माइनस बी का होल क्यूब, इसकी मिनिमा कहां पे आ रही है, फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कहां पे आ रहा है, हम वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. सर ए इक्वल्स टू बी आ जाएगा सर. यहां से क्या आ रहा है क्या बन रहा है? अच्छा नहीं एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऐसे ओपन कर लेते हैं ना, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हो रहा है. ये इक्वल टू जीरो आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस बी स्क्वायर. सही है? तो एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर यहाँ पे आ गया और ये टू टाइम्स ए माइनस ऑफ बी इंटू एक्स आ गया. सही है?
हमने जब स्क्वायर रूट डायरेक्टली ले लिया उसकी वजह से रूट का एलिमिनेशन हो गया ना, तो एलिमिनेट नहीं करना, तो यहाँ से क्या पता चला x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस b बाई टू आ जाएगा, सही है? देख लो आप, a माइनस b फैक्टर कट जाएगा, a प्लस b बाई टू आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a प्लस b बाई टू, ऐसी एक वैल्यू है जहां पे मिनिमा ऑप्टिमम, नोट डाउन कर लें इसको आप। ये हम इसलिए बोल सकते हैं मिनिमा ऑप्टेन क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसके अंदर पुट कर लो, मान लो आपने वैल्यू पुट कर ली b, ठीक है ना, f डैश x जीरो हो रहा है, अरे इस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर हम, अरे ये तो बहुत लॉजिकल है, मान लो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आ गया a प्लस b बाई टू, यहाँ पे फंक्शन क्या डिक्रीजिंग है, यहाँ पे इंक्रीजिंग है, तो भाई मिनिमा ही ऑप्टेन होगी ना, ठीक है? या तो आप चाहो तो अगर इसके अंदर a प्लस b बाई टू से बड़ी वैल्यू, मान लो b आपने पुट करके देख लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस a का क्यूब विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, फिर a पुट कर दिया तो a माइनस b का क्यूब विच इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है ना? चलिए आई थिंक आगे चलते हैं, अभी लेट्स मूव ऑन, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको अभी पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसमें करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम बाद में स्टडी करेंगे, पहले आपको बताना है फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीज फॉर व्हिच एफ डैश एक्स इज गिवन, बस यही पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अभी हमें करना है, हमें बताना है कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज और इंटरवल ऑफ डिक्रीज एफ एक्स का क्या होगा जब मुझे ग्राफ एफ डैश एक्स का दिया है, ये f dash x का ग्राफ है आपके पास, तो डायरेक्ट बताना है देख के, हाँ ग्राफ से इंटरप्रेट कर लो आप, सो हाफ से थ्री यूनियन i से इनफिनिटी i u i, नहीं नहीं सर, दो मिनट, कम पे कम है सर, तो हाफ पे सर आई ओ आई माइनस टू से हाफ और थ्री से फाइव वैसा होगा सर, आई ओ आई से फाइव, आई ओ डी सर, आई ओ डी माइनस इनफिनिटी से हाफ, तो ग्राफ ही नहीं दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या स्टडी करेंगे, एफ डैश का ग्राफ दिया हुआ है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे, जहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर ऊपर वाला ग्राफ है ना यार, क्या जाएगा माइनस इनफिनिटी से माइनस टू यूनियन सेवन टू इनफिनिटी, नोट कर लो इसको, आईओ आई आईओ डी माइनस टू से सेवन, बीच का सब नेगेटिव है ना यहाँ पे, पूरा का पूरा नेगेटिव वाला पार्ट माइनस टू से सेवन, ठीक है, नोट कर लो आईओ आई और आईओ डी, ठीक है, Hello. और ये बाकी के दो क्वेश्चन भी लिख लो आप, ठीक है ना, एक बार मैक्सिमा मिनिमा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, उसके बाद हम वो भी बताओ, क्या बेटा सॉरी ये वाला सम फिर से बताओ कैसे करा, एफ डैश एक्स देखो दिया है आपको क्वेश्चन में, दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, एफ डैश एक्स दिया है, एफ डैश एक्स जहाँ पे पॉजिटिव होता है वो आईओ आई होता है, पॉजिटिव मतलब ये वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर होनी चाहिए ना, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, हाँ सर ठीक है ना, तो वो कौन से इंटरवल में आ जाएगी, ये इंटरवल में आ जाएगी, ठीक है, नीचे वाला जो पूरा इंडिकेट कर रहा है वो आईओडी बता रहा है, हाँ सर, ठीक है, चलिए चलें आगे, क्या हेलो हेलो यस माइक टेस्टिंग सर, आ रही आवाज, अरे बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही तुम्हारी सर, आप बोलो सर, मैं पहले आंसर बोला था तो आवाज क्या है इसलिए, अरे बाप रे बाप, अभी तो बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही, तुम बिल्कुल आंसर बताओ, ठीक है सर, वो सेटिंग्स में वो इनेबल कर रहा अभी तो आ रही, बढ़िया बढ़िया गुड, अनम्यूट ही रखो तुम अपने आप को जब तक शोर नहीं होता वहां, ठीक है ना, चलो ये क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क के लिए,
लेना इसको, आसान सा क्वेश्चन है। हेलो यस साहिब, आप बोल रहे थे ना, आप बताओगे वो लोकल मिनिमम वाला, वो लिख लो, आप लिख के रख लो उसको, जब मैं मैक्सिमम मिनिमम बता देता हूँ और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसको आप ट्राई कर लेना वो वाले पार्ट को, और वो हम डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है ना। मुझे याद, सर वो इन्फ्लेक्शन होता क्या, मतलब उसे कम या ज्यादा वाला? नहीं नहीं, इन्फ्लेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता है, लेकिन वहाँ एफ डैश एक्स, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि वहाँ पे फंक्शन का कॉनकेविटी कर्व का चेंज होता है, मैक्सिमम मिनिमा ऑब्टेन नहीं होता। तो दो तरीके से होता है, या तो वहाँ डिफरेंशियल जीरो हो जाए, ठीक है, तो एक चीज से आइडेंटिफाई हो जाए, या डिफरेंशियल जीरो ना भी हो रहा हो, डबल डिफरेंशियल जीरो हो रहा हो, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं होता है। सर वो भी वो आएगा, आगे आएगा। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशियल करते हैं, तो जो पॉइंट जीरो वाले आते हैं सारे के सारे, उनको निकाल के चेक करते हैं कि भाई आप लोकल मैक्सिमा दोगे या मिनिमा दोगे, या मैक्सिमा मिनिमा दोनों नहीं दोगे। तो मैक्सिमा कौन देता है, जो डबल डिफरेंशियल करने के बाद, भाई पहला डिफरेंशियल पे तो जीरो आ गए, मान लो एबीसी तीन पॉइंट्स है, तो ए पॉइंट डबल डिफरेंशियल पे पॉजिटिव दे रहा है तो वो मिनिमा का पॉइंट है, बी डबल डिफरेंशियल पे नेगेटिव दे रहा है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट है, सी डबल डिफरेंशियल पे जीरो हो रहा है तो वो क्या होगा, इन्फ्लेक्शन नहीं बोलते, उसका भी कंडीशन है चेक करने का, ठीक है ना। चलो हाँ, देखेंगे उसको, हम बाद में देखेंगे, इसको लिख डालो फटाफट, फटाफट लिखो, ये क्वेश्चन अभी कर पाओगे आप, इसको होमवर्क में लिख लो। नेक्स्ट चलें आगे? नहीं सर, एक मिनट, पांच मिनट, इतना टाइम क्यों मांगा तुमने? सर आप 5 मिनट का, 2.5 मिनट तो रुकोगे ना? सर हो गया, प्लीज कर, ये तो तुम्हारा अच्छा है, 5 मिनट रुकने को बोलते हो फिर 1 मिनट में हो गया बोल रहे हो। चलिए चले आगे, लेट्स टेक दिस नाउ, इसको लो, ये भी लिख लो, फाइंड आई ओ आई फॉर 2 cot inverse 6 माइनस cot inverse 6 का होल स्क्वायर, इसको लिख लो होमवर्क में। Let's take next part now. चलें आगे। सर 2 मिनट। Let's write the next heading now. Question based on solving inequality using monotonicity. अब हम क्या करने वाले, ऐसे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे inequalities को प्रूव करते हैं monotonicity की मदद से, ठीक है ना। तो we'll understand that. इसको लिख लो आप, कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है ना, ये हेडिंग डाल दें आप। सो लेट्स से हमें प्रूव करना है कि fx जो है वो gx से है। हेडिंग तो डालने दो, 1 मिनट। अच्छा डाल दो। हाँ सर अब हो गया, ठीक है, तो आ जाओ। तो देखो, अगर हमें प्रूव करना है एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो हम करते क्या है, देखो ना, व्हाट वी विल डू इज, हम एफ एक्स माइनस जी एक्स एक फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। हमें एफ एक्स जी एक्स से बड़ा प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन एच एक्स एज्यूम करेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स, और फिर हम क्या करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके बता देंगे कि ये जो एफ एक्स माइनस जी एक्स मैंने फंक्शन एज्यूम किया है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली। तो प्रूव हो जाएगा कि अगर देखो, अगर मैंने प्रूव कर दिया कि एच डैश एक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स क्या हो गया, जी एक्स से बड़ा हो गया, बोल सकता हूं मैं? सॉरी नहीं आ रहा था मुझे। देखो होता क्या है, मुझे मान लो प्रूव करना है, दो फंक्शन दिए, ठीक है ना, या आप ऐसा समझो, मान लो ये दिया हुआ, इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, देखो एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है, ठीक है ना, एक मान लेते हैं, हमको ऐसा प्रूव करना है एक्स इज ग्रेटर देन tan inverse x प्रूव करना है, ठीक है, x जो है वो tan inverse x से बड़ा है, हमें ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या कर दिया, x माइनस tan inverse x ले लिया, ठीक है, एक फंक्शन की तरह एज्यूम कर लिया fx, ओके, फिर मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, बता दिया f डैश x क्या जीरो से बड़ा है, ओके,
तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, तो इसके बाद हम ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि भाई f'x अगर 0 से बड़ा है तो हम बोल पाएंगे कि f(x) की वैल्यू हर वैल्यू से बड़ी होगी जो कम से कम इंसर्ट की जा सकेगी, ठीक है ना। तो लेट्स से कम से कम वैल्यू जो मैं यहाँ पे सोच पा रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए वो जीरो सोच रहा हूँ। क्यों सोच रहा हूँ जीरो? क्योंकि जीरो पे मेरा जो ये जो फंक्शन मैंने लिया है ना वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल पाऊंगा कि x माइनस टेन इनवर्स x जो है वो जीरो से बड़ा है, तो मैं प्रूव कर पाऊंगा कि x टेन इनवर्स x से बड़ा है, ठीक है। इस तरीके की आइडियोलॉजी को हम यूज करेंगे। आई विल डू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये तो थोड़ा बहुत आपको जनरल नॉलेज के लिए कि कैसे हम सोचेंगे चीजों को। एक फंक्शन अज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन जीरो प्रूव करेंगे और फिर उसको हम कंस्ट्रेंट से प्रूव करने वाले। ओके, तो लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। मत लिखो, मत लिखो, अरे मत लिखो, लिए सर क्वेश्चन ही लिखो, सीधा सीधा क्वेश्चन लिखो। इफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू, प्रूव दैट एक्स वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स वन इज ग्रेटर देन एक्स टू माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स टू। ये हमें प्रूव करना कि अगर एक्स वन एक्स टू से बड़ा है तो ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो x1 पे बढ़िया आएगी x2 के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेम वी विल फॉलो द प्रोसीजर। fx को मैं ले लेता हूँ x माइनस tan इनवर्स x एज अ फंक्शन, डिफरेंशिएट करता हूँ f'x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब आप x की कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पता क्या चला कि f dash x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। यस, सो आई कैन से दैट fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आई कैन से दैट f of x इज ग्रेटर देन f of 0, सो आई कैन से दैट x माइनस tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0, सो आई कैन प्रूव दैट x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स x। एक कंडीशन में ये बता सकता हूँ, अगर कहीं पूछा गया है कि x बड़ा फंक्शन है या tan इनवर्स x ग्रेटर देन, क्या लिखा है, क्या हुआ f of x ग्रेटर देन f of 0 यहाँ पे? हाँ सर, वो कैसे लिखा बेटा? ये अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन फंक्शन का क्या होगा, इसका r हो जाएगा, तो 0 पे वैल्यू तो मैं बोल सकता हूँ ना बड़ी होगी। ये देखो, ये किसके लिए बोल सकते हैं, इसको थोड़ा सा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। Is if f(x) is an strictly increasing function, तो अगर मैं 0 से infinity की बात करूं specifically, तो positive होना चाहिए ना इसके लिए। हाँ, 0 से infinity की अगर मैं बात करूं, तो f(x) f(0) से बड़ा होगा, तो x is minus tan inverse x 0 से बड़ा होगा, तो x tan inverse x से बड़ा होगा। कहाँ पे? जब x positive number आप लोगे तब। सर हेलो, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना, आपको याद होगा बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं, साइन एक्स हो गया, टेन एक्स हो गया और एक्स हो गया, तो हम कैसे बताते हैं, साइन एक्स छोटा है, एक्स बड़ा है, टेन एक्स उससे भी बड़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन इक्वालिटीज की मदद से चीजें बता सकते हैं, ग्राफ कौन सा ऊपर होगा, कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, बता सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है वो ये नहीं था, क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक्स वन माइनस टेन इनवर्स एक्स वन बता दो, एक्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स टू से बड़ा है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, फॉर एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू if it is an increasing function, f of x1 would be greater than f of x2. अब f of x क्या है आपके पास? यही है, मत लिख दो, ये last step आ जाएगा आपका answer, सही है? सर ये नहीं समझ आ रहा क्या कर रहा है, किया ही क्या सर हमने, सिर्फ पुटी कर दी। क्या किया कि जब x1 minus tan inverse x1 को x2 minus tan inverse x2 prove करना है, ये prove करने के लिए हमने क्या किया, fx एक function assume किया x minus tan inverse x और prove कर दिया कि वो strictly increasing function है। तो x1 वैल्यू अगर x2 से बड़ी है तो उस पे फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी हो। सर डिक्रीजिंग हो जाए तो उल्टा हो जाता, डिक्रीजिंग होता तो उल्टा हो जाता। जीरो से इनफिनिटी करके आपने क्या मतलब करा था, वही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो ये वाला पार्ट अभी रुक जाओ, चलो इसको नहीं समझ आ रहा है, इसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको इधर रहने दो। नीचे वाले पार्ट का क्या काम क्या है वो? ये बेटा काम इसका ये है कि जब मैं ग्राफ बनाता हूँ tan inverse x का और x का, तो x ऐसा ग्राफ बनेगा, tan इनवर्स x हमेशा इसके नीचे रहेगा, ये इसका काम है। तो सर वो सर आपने वो लिमिट में बताया था, वो क्या था, tan x और sin x वाला? वो भी यही से बोल सकते हैं, यही से उसको भी बोल सकते हैं। तो tan x तो बड़ा था ना x से, लेकिन यहाँ tan इनवर्स है ना बेटा, तो उसका उल्टा होता है ना, वो रिफ्लेक्शन ले लेते ना, y = x लाइन के अबाउट, tan इनवर्स x तो ऐसा होगा ना, tan x ये होगा, तो tan इनवर्स x ये ब्लू वाला होगा,
और ये y is equal to x line होगी। अच्छा सर, मतलब वो sin x नीचे होगा तो sin inverse x ऊपर होगा, ऐसा थोड़ी हो? हाँ होता है, ऐसा ही होगा ना। हाँ सर, धीरे धीरे समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसका काम ये है, tan inverse और x और x में अगर comparison करना है तो इस तरीके से हम comparison करते हैं, ठीक है ना। जैसे इस बार भी शायद टेस्ट का हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे ऐसे लगा कि कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। हाँ, एडवांस के क्वेश्चंस कल हम डिस्कस कर रहे थे शायद। हाँ सर, मेंस में मैक्स में मैक्सिमम वाले में। हाँ बस उसमें, ठीक है ना। तो इन सब चीजों में आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, तो इसमें भी आप यूज कर सकते हो एओडी का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन की तो भरमार है। लेट्स टेक दिस, ये क्वेश्चन आपका टेस्ट में भी आया हुआ। क्या लिखा है? अगर एफ एक्स है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब तो फाइंड ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। मतलब अगर ये हम कर लेते और फिर तो मतलब तो धुआंधार हो जाती चीज। सेम क्वेश्चन इन टेस्ट अगेन, पर ये मैंने ऑब्जर्व किया है जो तुम करते हो और यहाँ करवाते हैं उसके बाद भी अगर टेस्ट में आते तो राइट नहीं हो पाता। हो जाता है कैसे राइट? नहीं सर, नहीं होता है। चलिए लेट्स टेक दिस नाउ। सर एक मिनट प्लीज। फरहान आवाज आ रही है? अब्दुल्ला आवाज आ रही है? सर लास्ट वाले क्वेश्चन में वो चीज करने की जरूरत तो नहीं थी ना, लेकिन इस वाले में सर आपने जो tan इनवर्स x पर वो बड़ा पूरा करा। नहीं नहीं, वो तो हमने प्रूव ऐसा कर दिया कि x भी tan इनवर्स x से बड़ा होता है अगर x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी में दी जाए तो। और सर sin इनवर्स x x से बड़ा होगा, sin इनवर्स x वाला फंक्शन वो भी x से बड़ा होगा। सर तो ये तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है तो f of f of x है और f x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ बिल्कुल। चलिए देखें कैसे करेंगे इसको। दो मिनट सर, डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया और ये f of f of x दिया हुआ, ये समझ में आया अभी तक। ताहिर क्या बोल रहे हो? तो मतलब डिक्रीजिंग आ गया फंक्शन तो देखो पहले तो डिफरेंशिएट कर लो इसको। हाँ तो पता क्या चला, f dash x आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 1 माइनस 3x स्क्वायर, सो इट इज लेस देन 0 ऑब्वियसली। सर माइनस इनफिनिटी से 0 यूनियन फोर से इनफिनिटी। नहीं ले लिया सर, देखो कैसे करेंगे। अब f dash x क्या है? लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। अगर f dash x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे एक चीज बताना, आप ध्यान से देखना ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहचान पा रहे हो कि ये क्या लिखा है? f of x लिखा है। इट इज ग्रेटर देन f of 1 माइनस 5x। तो अगर f dash x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जो अंदर की वैल्यूज होंगी वो उल्टी हो जाएंगी इनइक्वालिटी के लिए। हां सर, हां सर। तो ये क्या हो जाएगी, fx वुड बी ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर था तो लेस देन हो जाएगा ना, fx वुड बी लेस देन 1 माइनस 5x। अब fx आपको पता है क्या दिया हुआ है? 1 minus x. आपका आंसर आ गया है मेरे पास, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो पूरा आंसर है। पूरा आंसर है क्या? थोड़ा मिसिंग है उसमें कुछ, कि लेस देन 1 माइनस 5x आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 से 1 कट जाएगा, बन जाएगा x क्यूब माइनस ऑफ 4x ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व से प्लॉट कर लेंगे तो माइनस 2 0 एंड 2। सर माइनस 2 और 2 कैसे है? ये फैक्टराइज हो जाएगा ना बेटा, x x माइनस टू x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो में, तो प्लस माइनस, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू से जीरो यूनियन टू से इनफिनिटी। सही है? इज इट क्लियर? सर वो प्लस वाले वैल्यू के लिए क्या बोल रहे हो ताहिर? सर वो प्लस वाले के लिए माइनस टू से जीरो और लगा। हाँ बताओ क्या बोल रहे हो?
सर वो माइनस टू से जीरो और टू से इंफिनिटी क्यों लिया? क्यों लिया? क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है ना, क्वेश्चन में बोला है कि आप इनइक्वालिटी सॉल्व करिए, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करते जा रहे हैं हम। हाँ सर, हाँ ग्रेटर देन जीरो लेना है, ग्रेटर देन जीरो वाला ही लेना है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी के हिसाब से अपन कर रहे हैं पूरा। हाँ ठीक है ना, इनइक्वालिटी के हिसाब से हम कर रहे हैं। चले आगे। हाँ सर, ये इस बार के टेस्ट का भी क्वेश्चन मेंस में था ये क्वेश्चन। चलो लेट्स टेक दिस, आगे अच्छा क्वेश्चन। प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन टू एक्स एलन एक्स ग्रेटर देन फोर टाइम्स x माइनस वन माइनस टू एलन एक्स। ये प्रूव करो कि x स्क्वायर माइनस वन जो है वो एक बड़ा फंक्शन है टू एक्स एलन एक्स से, और टू एक्स एलन एक्स एक बड़ा फंक्शन है फोर टाइम्स x माइनस वन माइनस टू एलन एक्स। देखो बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, एफ एक्स एक फंक्शन एज्यूम करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस टू एक्स एलन एक्स, ठीक है, फिर वो डिफरेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स क्या आता है टू एक्स माइनस टू एक्स एलन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एलन एक्स प्लस वन, सही है, यही आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस ऑफ 2 माइनस 2 एल एन एक्स। अब एफ डैश एक्स के बारे में कुछ कंक्लूजन बता पा रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बता। जय क्या बोलना चाह रहे हो? जय सर, यस अनीश सर, सर 2x माइनस 2 एल एन एक्स पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा सर, पूरा ही नेगेटिव ही आएगा हमेशा। 2x माइनस 2lnx 2lnx मान लो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। हाँ वो लिमिट्स में पढ़ाया था ना कि x raise to n बड़ा होता है lnx तो x lnx से बड़ा होगा। हाँ बट फिर एक माइनस 2 भी है। हाँ सर, सर तो लिमिटिंग वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं ना, जीरो डाल के ऐसे कुछ। ठीक है करके बताओ क्या रहा। सर पर वो 4x माइनस 1 और उस वाले को लेते हैं ना तो सर ln से कुछ निकले शायद। अब देखो ठीक है ना, तो ये वाली चीज जो बच्चे करते हैं ये वर्कआउट नहीं कर रही है, मैंने आपको इसके लिए बताया बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं, यहाँ से हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर पा रहे। 2x माइनस 2 पॉजिटिव एंड 2 ln will be nearly equal to 0, ओके। ठीक है देखो इसका कंक्लूजन कैसे हम निकाल पाएंगे, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा इस तरीके से कन्वर्ट करता हूँ ताकि मैं जब डिफरेंशिएट करूँ तो आई कैन इजीली आंसर। तो व्हाट आई विल डू इज मैं यही दो चीजें लेने वाला हूँ, एक फंक्शन तैयार करूंगा कैसे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स एल एन एक्स, एक्स से डिवाइड कर देंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स टू एल एन एक्स। तो अब जो मैं फंक्शन एज्यूम करता हूँ एफ एक्स वो लेता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एल एन एक्स, ध्यान से समझना ठीक है ना, ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, इज इट क्लियर? तो अब मैं यहां से क्या बोलता हूँ
कि अगर मेरा ये एफ एक्स फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, देखो 1 + 1/x² - 2/x, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x - 1/x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सॉरी 1/x - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यही लिखा है ना? तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो डायरेक्टली यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यस, f'x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं, इफ f'x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सो आई कैन से दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। माय f(x) इज दिस नाउ, इट्स अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो पहले ये चीज अंडरस्टैंड करो फंक्शन का डोमेन क्या है, जिसमें अपन सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी होगा, ऐसा नो जीरो से इन्फिनिटी में बात हो रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक्स की वैल्यू पे, जो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स पे आएगी हर एक्स पे, वो वन से बड़ी होगी जो वन पे वैल्यू आएगी, कब? देखो क्यों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे जीरो से इन्फिनिटी में नहीं मांगा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि वन से बड़ी वैल्यू आप जब डालोगे तो ये वैल्यू आपको सेटिस्फाई करवानी इनइक्वालिटी। तो मैंने कहा कि एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ वन से हर जगह पे बढ़ी आएगी, ठीक है? इज इट क्लियर? तो एफ एक्स क्या हो गया मेरे पास, एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू एल एन एक्स इज ग्रेटर देन, व्हाट इज एफ ऑफ वन, जीरो, ठीक है? तो अब क्या करना है, अब ये वाला मैनिपुलेशन फॉलो करना है, क्या करेंगे, x माइनस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन टू एल एन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स इज ग्रेटर देन टू एल एन एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन टू एक्स एल एन एक्स। अब आप बोलेंगे सर आपने वेरिएबल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी के साइन का नहीं चेंज किया आपने, उसके पीछे रीजन क्या है, x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। जब हम वेवी कर्व मेथड पढ़ते तब हम नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि वो वैल्यू एक्स की कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू होती तो इनइक्वालिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वही एक्स अगर नेगेटिव हो जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बता सकते हैं। तो लिख लें आप, ठीक है? क्लिक कैसे करेगा, तो थोड़ा बहुत अभी मैंने आइडिया तो दे दिया है आपको, और भी क्वेश्चंस में करवाऊंगा इस पार्ट में, ताकि आपको आइडिया आए। -1 - 2 ln x का क्या 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 बोल रहे हो पूजन? अगर वो जो तीसरा पार्ट भी है ना उसका क्वेश्चन का, वो कैसे प्रूव होगा? वो करेंगे ना अभी, एक तो लिखो आप, लिख तो लो, हटा दूं क्या? हां सर लिख लो। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, बाकी है। फिर मैं ये पिंक वाला पार्ट बताता हूं इसको कैसे करना। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को आपके 9th-10th के चैप्टर ज्यादा आए होंगे, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम वाले, प्रूफ दैट वाले। नहीं सर बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो सुनिए, ऐसा नहीं फील होता था कि कैसे शुरू करना है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में? हाँ सर, ठीक है। टेंसी क्लियर? यस सर। बट वो वाले मेथड से भी फिर कंक्लूजन तो निकल ही जाता ना, निकलता, लेकिन हम क्या करते हैं, करते क्या उसमें पता है, उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उस एक्सप्रेशन की निकालते हैं और फिर बताते हैं कि मिनिमम वैल्यू उसकी जीरो से बड़ी है। वो जो रिजल्टेंट फंक्शन मेरे पास बन रहा है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो f'x एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। समझ नहीं आया वो x²-1 = 2x ln। कौन सा वाला नहीं पता चला? पहला स्टेप, पहला से ये वाला, ये स्टेप। हाँ सर ये स्टेप, इसमें हमने x से डिवाइड कर दिया बेटा, तो एक अरे सर वो आगे आपने इक्वल टू क्यों पुट करा वो समझ नहीं आया। इक्वल टू क्यों पुट करा? अरे फंक्शन बना रहा हूँ अभी, मैं फंक्शन बना रहा हूँ, एक इक्वल टू नहीं पुट किया है, इक्वल टू मतलब ऐसे सॉल्व उसको इक्वालिटी के लिए नहीं किया, हमने एक फंक्शन बनाया है x²-1 > 2x ln x है मान लो, फिर डिवाइड कर दिया, तो हमने मान लो यही प्रूव करना है कि पॉजिटिव है। आप ऐसा करके चलो, आपको प्रूव करना है कि fx की वैल्यू जीरो से बड़ी है,
तो ये एक्चुअली क्या लिखा है, f of 0 लिखा हुआ है, सॉरी f of 1 लिखा हुआ है, f of 1. आपको प्रूव करना है कि fx is greater than f of 1. ठीक है, एक फंक्शन हमने बनाने की कोशिश की जहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे जल्दी. चलिए आगे चलते हैं. अब देखो दूसरा पार्ट ले लो, आ जाओ. अब दूसरे पार्ट में क्या करना है, दूसरे पार्ट में मैं लिख देता हूँ बच्चे गलती क्या करते हैं. ठीक है ना, आई विल राइट दैट एज़ वेल, फंस जाएंगे वहां से. देखो क्या होता है, वो 2x को इधर ले आते हैं तो ये बन जाता है 2x ln x, ठीक है, और प्लस 2 ln x माइनस 4x माइनस 1. इसको ले लेते हैं वो fx. अब डिफरेंशिएट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं. यहां से f dash x क्या जाएगा, 2 ln x, ln x plus 2 plus 2 plus 2 by x. और वो fx आपने कैसे लिया, क्या लिखा fx, कैसे बनाया आपने fx, कैसे लिखा? हाँ, ये क्वांटिटी यहाँ ले गए. और अगर f dash x greater than 0 आ जाता है तो फिर मैं प्रूफ कर दूंगा ना कि fx is greater than f of 0 and then we can say f of x is greater than f of 1. हाँ सर, ठीक है. तो f dash x लिख दिया 2x, 2 ln x plus 2 plus 2 by x minus of 4. तो 2 ln x plus 2 by x minus 2 minus of 2. ठीक है, हम यहाँ से कंक्लूजन कैसे देंगे? सर यस यस सर नहीं नहीं कुछ नहीं. देखो देने को तो यहाँ से भी दे सकते हैं कंक्लूजन. देखो मान लो f dash x एक फंक्शन है, ठीक है ना, इसको मान लिया g x है, तो g dash x निकाला, g dash x कितना होता है 2 by x minus 2 by x square, सही है? 2 by x कॉमन निकाल लिया, 1 minus 1 by x हो गया ना. अब अगर x 1 से बड़ा है तो 1 by x 1 से छोटा होगा, 1 minus 1 by x 0 से बड़ा होगा, है ना? समझ आ रहा है क्या? तो वो gx क्यों लिखा हमने? f dash x के बारे में बताना है कुछ, तो कैसे बता रहा हूँ उसको, मैं एक फंक्शन gx ले रहा हूँ, फिर gx को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो पता क्या चला g dash x की आ गया यहाँ से मेरे पास. सर मतलब अब g dash x इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो उससे हमें, अब g dash x देखा डिफरेंशिएट करने पे तो पॉजिटिव आ गया. हाँ, g dash x पॉजिटिव आया मतलब gx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब g of x अगर मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ ये g of 1 से बड़ा होगा. हाँ, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x की वैल्यू 1 से बड़े के लिए gx g1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू gx है, g1 क्या है 2 है. समझ आ रहा है? अच्छा हाँ 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 सर. भाई वन पुट करेंगे, सॉरी ये तो जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, जीरो वन तो जीरो आ रहा है ना, जीरो जीरो जीरो. एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बोल सकता हूँ एफ एक्स एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. फिर से एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया मतलब एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव आया, वो समझ में नहीं आया. जी एक्स जीरो से बड़ा गया ना, जी एक्स पॉजिटिव आ गया बेटा. जी एक्स कैसे पॉजिटिव आया, जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी ऑफ वन. ये कैसे लिखा, जी डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. स्टेप बाय स्टेप लिखो, देखो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, जी डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो g of x is increasing function. So g of x would be greater than g of 1. 1 से आगे की बात चल रही है ना सारी? ठीक है सर. 1 से आगे की बात चल रही है, तो 1 से आगे gx increasing function आ गया, तो 1 से तो आगे values तो बढ़ी आएंगी, 1 सबसे छोटा है. अब g of x is greater than g of 1. अब g of x actually क्या है, f dash x है, f dash x greater than 0 आ गया. फोर्थ स्टेप, तो फिफ्थ स्टेप में क्या बोल दोगे, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1 बोल सकते हैं. फिफ्थ इधर लिखते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो सिक्स्थ में बोल सकता हूं मैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ 1. अब एफ एक्स तो यही है
एफ ऑफ वन देख लो क्या जाएगा, टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो, फोर इंटू वन माइनस वन, दैट इज जीरो. तो ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. सेवेंथ स्टेप सही है. तो एट्थ स्टेप में आप क्या कर लोगे, ये ग्रेटर देन जीरो है तो जो नेगेटिव वाले आप लेके आए थे लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन बनाने के लिए उनको वापस से वहां भेज दो आप इसको और इसको. प्रूव हो जाएगा. देखो मैंने बताया था पहले वाले को भी हम ऐसे ही करते हैं टेंसी, ठीक है, वहां से भी बता सकते थे आप. आपको करना क्या होता है, फंक्शन आ गया जहां से आप कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हो तो उसको फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और बता दो डिफरेंशियल पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द डोमेन व्हिच इज 1 से इनफिनिटी. तो मिनिमम वैल्यू एफ ओ वन पे आएगी क्योंकि कंटिन्यूसली बढ़ने वाला फंक्शन है. अब एफ ओ वन पे देखा तो वैल्यू जीरो के बराबर थी, एफ डैश जो था फंक्शन वो भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है. तो इसको लिख ले आप. अभी मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसको करने का, और जिन जिन को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आ रही तो वापस से एक बार वीडियो देख लेना आप, ठीक है ना, तो और अच्छा फील होगा आपको, ठीक है. डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं, पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बच्चों को दिक्कत जाती है. चले इसको इरेज करूं मैं. हाँ सर, हो गया सर, दो मिनट लास्ट. अरे कोई बात नहीं, तो वीडियो में देख लेना एक बार इसको, ठीक है ना. अब देखो इधर देख लो, तो मैं कैसे assumption ऐसे में अगर कन्वर्ट कर लूं कि मुझे एक ही डिफरेंशियल में कुछ कंक्लूजन मिल जाए तो मेरा काम जल्दी आसान हो जाएगा, तो वो थोड़ा क्लिक होना चाहिए. तो हम कैसा सोच रहे हैं, यहाँ देखो ये 2x लिखा है, ये ln x लिखा है, और प्लस 2 ln x यहाँ ले आता हूँ मैं, दिस इज ग्रेटर देन 4 टाइम्स x माइनस 1, ओके. तो यहां से मैं क्या बोलता हूँ, 2 दोनों में से कट कर दो, ये 2 बचेगा, ठीक है ना. यहाँ पे मेरे पास बचेगा x plus 1 times ln x and it is to be proved greater than 2 times x minus 1. So I have to prove ln x is greater than. एक बार बताओ क्या किया? क्या हुआ? सर ये शुरू से एक बार बताओ क्या? ये यहाँ लेके गया. ठीक है, ln x common out ले लिया. Okay, तो ln x क्या आ गया? 2 times x minus 1 by x plus 1. I think so. This is clear. Yes. अब मैं फंक्शन जो एज्यूम करता हूँ यहाँ से, वो एफ एक्स क्या एज्यूम करता हूँ, एल एन एक्स माइनस ऑफ टू टाइम्स एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन. तो अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको. डिफरेंशिएट करने पे क्या पता चला, एफ डैश एक्स आ जाएगा वन बाई एक्स माइनस. अब ये देखो टू तो बाहर रहने दो आप, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन है, तो होता क्या है, एक्स प्लस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. अगर आपको याद है थोड़ा फटाफट हो जाएगा आपसे, है ना, एक्स प्लस वन का स्क्वायर कर लोगे ना आप. तो ये x x कट गया, 2 आ गया, तो ये 1 by x minus 4 by x plus 1 का स्क्वायर आ गया. ओके, तो जब मैं थोड़ा सा अगर LCM लूँ इसके साथ, तो f dash x को मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, देखो x plus 1 का स्क्वायर minus 4, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे बन जाएगा x into x plus 1 का स्क्वायर, ये x plus 1 का स्क्वायर minus of 4x हो जाएगा, जो कि x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन x इंटू एक्स प्लस वन का स्क्वायर ही कहलाएगा. अब अगर आप देखो तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बेचारा x तो 1 से बड़ा ही डालना है आपको, तो पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ गया. तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अब आप क्या बोल सकते हो, दिस इज ग्रेटर देन f ऑफ x इज ग्रेटर देन f ऑफ आई कैन से 1, f ऑफ 1 डालेंगे साहिल, क्योंकि 0 पे तो ln इंफिनिटी हो जाएगा, अरे हां माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, f ऑफ 1 डालेंगे क्योंकि प्रूव करना है अपने को x 1 से बड़े के लिए. तो एफ एक्स एफ ऑफ वन से हर जगह बड़ा ही होगा, तो एल एन वन जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स वुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो ये बोल सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन जीरो से बड़ा है. अब ये जीरो से बड़ा है तो फिर ये वाला स्टेप आ जाएगा, इसके बाद जस्ट ये स्टेप और उसके बाद जस्ट ये स्टेप. अच्छा मुरुगा, एफ ऑफ वन इसलिए डालेंगे बेटा क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ग्रेटर देन जीरो, और ये ग्रेटर देन जीरो तभी प्रूव होगा जब आपका राइट हैंड साइड ये फंक्शन जो एफ एक्स है वो जीरो हो जाए. ये जीरो कब हो रहा है, वन पे जीरो हो रहा है, इसीलिए ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में भी एक्स ग्रेटर देन वन दिया था, तो इसीलिए दिया गया था कि तभी एफ ऑफ वन जीरो हो जाएगा और इनइक्वालिटी आप प्रूव कर पाओगे. नहीं तो अगर आपने जीरो ले लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, ये वाला एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो वो तो इनइक्वालिटी में कोई मदद ही नहीं करेगा. सर ऐसा ही बोल सकते हैं, मतलब लीस्ट वैल्यू आएगी, यस, ग्रेटर देन एफ ऑफ वन करेंगे, बिल्कुल.
ठीक है, और क्वेश्चन करने के इनइक्वालिटी पे? ट्रिग्नोमेट्री के इनइक्वालिटीज पे क्वेश्चन है इसमें? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते हैं, करेंगे, वो भी करेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा ऐसा है जिसको मतलब आपको दो तीन बार इसको करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे मत समझना कि एक ही बार मैं करूंगा सब चीजें हो जाएगी, है ना, हम चीजें सीखते हैं, वी लर्न। और ये कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये यूजुअली मल्टीपल करेक्ट टाइप के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें चार ऑप्शन होते हैं और उसमें आपको प्रूफ करना होता है एक एक को लेकर। ठीक है, चलिए चलें आगे। अलीसगर अलीसगर 5 मिनट कैसे रुकूंगा यार, जल्दी जल्दी लिखो फिर और आगे करवा रहे हो। पूजन क्या बोलते हो, पॉज कर देंगे आज का सेशन यहीं पे? सबकी मर्जी हो तो, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो वीडियो देख ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करवा लूंगा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ताहिर ने बोला ये तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करवा लिया जाए। साहिल सर एक दो बार ये वीडियो देखते फिर करते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर करवा दो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ एक, उसके बाद 6-7 क्वेश्चन और भी है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है ना? हाँ सर, तो नेक्स्ट टाइम आएगा ना, नेक्स्ट टाइम कल है, नेक्स्ट टाइम कल है, कल है क्या नेक्स्ट टाइम? सर 3 क्लास हुई अभी तक, चौथी होगी कल। लिख लो, चलो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। 2 sin x + 10 x = 3 x, ये तो ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटीज में से करते नहीं, पर उसमें x नहीं होता था, उसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में बुरा होता था ना सर। चलो गिव अ ट्राई। हां सर, चलिए लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। सर f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है तो फिर मतलब मैंने fx है ना, आ रहा है f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है। हाँ तो क्या बोल सकते हैं, f डैश x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फिर उसको 0 पे मतलब 0 f0 बोल सकते हैं। f डैश x अगर एक इंक्रीजिंग है तो f डैश ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू f डैश ऑफ 0 बोल सकते हैं। हां चलो पहले तो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, fx पहले निकालते हैं, ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे आ जाएगा, बिल्कुल सही किया आपने। देखो fx एक फंक्शन पहले तो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2 sin x + 10 x - 3 x, डिफरेंशिएट कर लो, f डैश x कितना आ रहा है, 2 cos x + 6 square x - 3। सर f पाई बाय 2 से कम नहीं? हाँ ठीक है सर, करो। फिर f डबल डैश x क्या आ जाएगा, -2 sin x + 2 sec x और फिर sec x 10 x, तो sec square x 10 x हो जाएगा। ओके, अब 10 x को क्या लिख सकते हो आप, sin x upon cos x, तो sin x कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin x अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, sec cube x - 1। तो पता क्या चला कि भाई 0 से पाई बाय 2 में sec की वैल्यू 1 से इंफिनिटी होती है, मतलब ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो गई, मतलब f डैश x क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, f डैश x, यस बेटा सर, f डैश x का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, पता कैसे चलेगा? क्या क्या सर, f डैश x का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो, पता कैसे चलेगा? पता इधर से ऐसे पता चला कि ये वाले वैल्यूज जो है 2 cos x + sec square x - 3,
इसके बारे में हम यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे ना, क्या बता पा रहे हैं यहाँ से, कुछ भी नहीं बता पा रहे ना। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसे तुमने एक डिफरेंशियल किया नहीं बता पा रहे थे, तो मैंने क्या किया आपको बताया, डबल डिफरेंशियल करके बताया। यस, वैसे ही एक डिफरेंशियल किया, यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। डबल डिफरेंशियल किया तो डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव आ गया, तो हमने क्या बोला, अगर डबल डिफरेंशियल पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश जीरो से बड़ी होगी। तो एफ डैश एक्स क्या है, टू कॉस एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस थ्री, किससे बड़ी है, एफ डैश जीरो से बड़ी है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पता क्या चला, ये एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है। अरे एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब एफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जीरो से बड़ा होगा। मतलब बोल सकता हूं टू साइन प्लस टेन माइनस थ्री एक्स वुड बी ग्रेटर देन जीरो। यस, मतलब टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स जो है थ्री एक्स से बड़ा होगा। ये इक्वल टू जीरो भी बेटा हो सकता है जब पाई बाई, देखो इक्वल टू जीरो कब होगा, जब आप वैल्यू पाई बाई टू डाल दो, नहीं जीरो डाल दो, जीरो जीरो पे जीरो हो जाएगा, जीरो पे पाई बाई टू पे तो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, जीरो डाल दोगे आप तो सी कॉफ जीरो वन हो जाएगा। तो ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड करेगी और यहाँ पे भी इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो टू साइन एक्स माइनस टेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एक्स प्लस, आई एम सो सॉरी दिस इज प्लस, टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, एक बार वीडियो को वापस से आप जाके देखना, ठीक है, इसके बाद वाले इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेलो।